कैंप में अवैध मछुआरों ने मचाया हिंसक उत्पात, वन कर्मियों पर किया हमला, जलाने की कोशिश, किचन में रखे गैस सिलेंडर को निकालकर उसमें विस्फोट करने का किया गया प्रयास। नागपुर विश्वविद्यालय का कारनामा, 3 बार हुआ मैथ्स 2 का पेपर, पेपर देने के बाद भी 4 विषय में अनुपस्थिति, विद्यार्थी हुए परेशान। मेयो मेडिकल के अस्थायी सहायक प्राध्यापकों ने किया आंदोलन, स्थायी करने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। शीत सत्र पर कोरोना का साया, 6 को होगी अधिकारियों की बैठक, हालांकि तय तारीख से यहां पर सत्र शुरू नहीं हो पाने की संभावना। मास्क नहीं पहनने वालों पर एक बार फिर हुई कार्रवाई, 1 दिन में वसूले 1,34,000 रूपए। टिकट की कालाबाजारी करने वालों पर सीआईबी का पड़ा छापा, स्टेशन के सामने ही दुकान लगा कर बैठे थे, दोनों ही आरोपियों को रेलवे अधिनियम के तहत किया गया गिरफ्तार। कोरोना काल में नागपुर विश्वविद्यालय को लगा 56 करोड़ का झटका, पिछले वर्ष अप्रैल नवंबर के बीच कमाई हुई थी 61.9 करोड़ की और इस बार मात्र 4,65,00,000 53,912 रूपए ही आए, अगले बजट पर होगा इसका असर। जिले में 279 नए मरीज तो वहीं 10 की हुई मौत, कुल संक्रमित 1,32,507, कुल मृतक 3,720, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,231। फिलहाल कोरोना की रफ्तार हुई कम। मुंबई के व्यापारी ने ठेकेदार से की 6,31,000 की धोखाधड़ी, छत्रपति नगर मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए मंगाया था एल्युमिनियम, फिलहाल धंतोड़ी थाने में शिकायत दर्ज कर मामले में जुटी पुलिस। क्रेशर के पार्ट्स चुराने वाले 5 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार, एमआईडीसी पोरी पुलिस की कार्यवाही में खुली पोल, लोहा व कबाड़ के आरोप, कारोबार से जुड़े हैं सभी आरोपी,